अफजल शेख गोंडवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम हैं राबोड़ी के फर्स्ट राबोड़ी में, जहां अल्प तैयबा टावर जुमा मस्जिद के सामने डॉक्टर अंसारी रोड फर्स्ट राबोड़ी नाके पे पास में ये अपला दवाखाना है, ये रखा गया है नजीम मुल्ला साहब की तरफ से। यहां पे फ्री हेल्थ चेकअप का जो मुफ्त आरोग्य जाँच शिविर लगाया गया है, जिसमें टीम नजीम मुल्ला और हॉरिजन प्राइम हॉस्पिटल की जानिब से यहाँ पर फ्री में एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी वाईपास सर्जरी किडनी स्टोन शिविर का ये आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे जो फ्री चेकअप किया जा रहा है, यहाँ डॉक्टर्स की टीम हॉरिजन प्राइम हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पे बैठी हुई है और लोगों का यहाँ पे मुफ्त में जांच किया जा रहा है। आप लोगों को दिखाएंगे यहाँ पे इस तरह से, यहाँ पे जो किया गया है, जो केसरी और पीले रंग के और इनके बाद राशन कार्ड जो गरीबी रेखा में आ रहे हैं, महात्मा फुले जन यो आरोजन योजना की तरफ से इनमें जो किया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं राबोड़ी की जो आवाम है वो यहाँ पर आकर फ्री चेकअप करवा रही है। मैं अफजल शेख, गोंडवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम टीम नजीम मुल्ला की तरफ से फ्री में, जो आप लोग देख सकते हो, हॉरिजन प्राइम हॉस्पिटल की तरफ से एक शिविर रखा गया है, जिसमें फ्री ईसीजी आयोजन किया गया है और एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी और बाईपास सर्जरी का जो कैंप है, यहाँ पे फ्री में आपका टेस्ट किया जा रहा है और जिनको भी इसका प्रॉब्लम होता है, जो भी निकलता है, तो इसको फ्री ऑफ कॉस्ट इनका इलाज किया जा रहा है। तो हमारे साथ है राबोड़ी की कॉरपोरेटर वहीदा मुस्तफ़ा खान, इनसे हम बातचीत करना चाहेंगे ये कैंप किस लिए लगाया गया है और क्या इनके इसके पीछे मकसद है। जैसे कि आपने कहा कि यहाँ पर फ्री कैंप, ये कैंप हम लोगों ने लास्ट वीक भी रखा था, पिछले सैटरडे, वो भी उस वक्त भी इसी तरह से ईसीजी और सारा जो हेल्थ चेकअप है, और ख़ास तौर से हार्ट से रिलेटेड और किडनी स्टोन के प्रॉब्लम्स का, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह 130 के करीब पेशेंट्स की पूरी जाँच हुई, उनका ईसीजी कराया गया और जो भी आगे डॉक्टर ने कंसर्न किया, अगर उन्हें एंजियोप्लास्टी है, एंजियोग्राफी है या जो भी चीज़ की ज़रूरत है, वो डॉक्टर के मुआयने के बाद उस पेशेंट को आगे हॉरिजॉन में दाखिल कराया जाएगा और आगे का उनका इलाज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, यानी टीम नजीब मुल्ला जानिब की जानिब से वो सारा पेमेंट करके उन पेशेंट्स को, यानी ख़ास तौर से अहलिया ने राबोड़ी के लिए, राबोड़ी की आवाम के लिए ये कोशिश की जा रही है और माशाल्लाह इसमें हमें बहुत अच्छी कामयाबी हासिल हुई है। लोगों का बहुत अच्छा ताउन है, जो भी तकलीफ़ में है वो लोग आ रहे हैं और यहाँ पर उनका इलाज मुआयना बहुत अच्छे तरीके से सारा किया जा रहा है हॉरिजॉन प्राइम हॉस्पिटल की तरफ से। और उसी तरह इस हफ्ते भी 96 पेशेंट अब तक हो चुके हैं और अभी भी कम से कम एक डेढ़ घंटा ये कैंप और चलेगा, तो और भी जो भी पेशेंट्स आएंगे उनका इसी तरह मुआयना कराया जाएगा। हमारा 150 तक का टारगेट है कि 150 तक के पेशेंट हम लेंगे और उसके बाद उनका ईसीजी फ्री होगा और आगे का जो भी डॉक्टर की राय से उनको जो भी इलाज की ज़रूरत है वो हॉरिजॉन प्राइम में उनका इलाज मुफ्त कराया जाएगा। ये हमारी कोशिश है अहलिया ने राबोड़ी की खिदमत के लिए, क्योंकि आज कोरोना का पीरियड है और ऐसा हालात है कि जहाँ पर हर इंसान दवाइयों के लिए और बीमारियों से जूझता हुआ और परेशान हाल है, इसलिए टीम नजीमुल्ला जानिब की जानिब से अहलिया ने राबोड़ी की खिदमत में ये एक छोटी सी कोशिश है और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें राबोड़ी के तमाम लोगों का बहुत भरपूर ताउन है और उनकी दुआओं के साथ हम ये कोशिश, ये सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे। तो जैसे कि देखा जा रहा है अभी इलेक्शन बहुत ही करीब है, तो राबोड़ी के लोगों का एक सवाल है हमारे कॉरपोरेटर से या जो जिम्मेदार हैं आप, कि जैसे कि इलेक्शन नज़दीक आते हैं तो ही ये सारे प्रोग्राम्स किए जाते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, इसकी जो सोच है लोगों की, इस बारे में क्या बोलना चाहेंगे? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हम दूसरों की तरह, सिर्फ बारिश के मेंढक की तरह जब बारिश आती है तो बाहर निकलते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमने पिछले 5 साल से, और नजीब मुल्ला साहब का तो पूरा 20 साल का वक्फा है, 20 साल का उनका राबोड़ी की आवाम के साथ एक बेहतरीन सफ़र है और उसके साथ साथ हमारी पूरी टीम में हम चारों कॉरपोरेटर्स पिछले 10 साल से उनके साथ है और हम लोगों ने हमेशा जब जब ज़रूरत है, चाहे वो लेडीज़ के कैंप हो, टीबी का इलाज का कैंप रहो या इस तरह से हार्ट चेकअप है,
आंखों के मुफ्त चेकअप है, ऐसे बहुत सारे चेकअप हम लोगों ने कर चुके हैं और इस बात की सारी गवाही रापड़ी की आवाम आपको मुझसे ज़्यादा बेहतर तौर से दे सकती है कि हम हमेशा अपने काम के लिए रापड़ी की आवाम की खिदमत के लिए सरगर्म रहे हैं। सिर्फ इलेक्शन का वक्त आने के बाद हम अपने बिलों से निकल कर लोगों की हिमायत या लोगों की मोहब्बत हासिल करने का ये हमारा शेवा नहीं है। हम 20 सालों से इसी तरह खिदमत करते रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला अगर राबड़ी की आवाम की मोहब्बत हमारे साथ रही तो हम आगे भी इसी तरह राबड़ी के लोगों के लिए हमेशा खिदमत करते रहें। जैसे कि अभी आपका आइडियल हाई स्कूल में एक चश्मे का कैंप रखा गया था जहां पे फ्री में लोगों के आँखों की चेकअप की गई और जिनको मोतियाबिंद का प्रॉब्लम था उन्हें फ्री इलाज किया गया। तो अभी कल भी एक आपका प्रोग्राम है, तो ये कहाँ पर है और किस जगह पे है, कैसे क्या टाइमिंग है, जो हमारी आवाम देख रहे हैं जिनको नहीं पता है तो वो कल 23 जनवरी को वहाँ पर पहुँच के इस कैंप का फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ बिल्कुल, मेरी राबड़ी की आवाम से गुजारिश है कि कल स्कूल नंबर 37 और 51 नंबर स्कूल जो हमारे फर्स्ट राबड़ी में है मापलेशा दरगाह के बैक साइड का जो एरिया है वहाँ पर एक कैंप का इनेकाद किया गया है। लास्ट टाइम भी इसका बहुत अच्छा प्रोसीजर था और बहुत सारे लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया है। शायद कम से कम 1000 लोगों के करीब हम लोगों ने चश्मा भी दिए और उनका मुफ्त में मोतियाबिंद का जो ऑपरेशन कराने का उनका भी प्रोसीजर शुरू कर दिए है और उसी के बदले में यानी उसी से कंटिन्यूटी में के लोगों का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है आंखों के ताल्लुक से मोतियाबिंद के ताल्लुक से, तो इसके लिए हमने फिर से उस कैंप का वापस से एक हिस्सा अपने दूसरे एरिया में यानी कि TMC स्कूल नंबर 37 और 51 में वहाँ पर किया गया है। तो जिनको भी ज़रूरत है आँखों की जाँच के लिए और मोतियाबिंद की जो तकलीफ़ है अगर किसी को, तो बराए मेहरबानी वो लोग वहाँ पर आए, मुफ्त में चश्मा हासिल करें, अपने आँखों का मुआयना कराएं और अगर मोतियाबिंद में ऑपरेशन की ज़रूरत है तो वो भी टीम नजीमुल्ला की जानिब से उन्हें बिल्कुल मुफ्त में ऑपरेशन कराया जाएगा।